के पानी सप्लाई नल से सांप निकलने की घटना से लोगों में हड़कंप है। जानकारी लगते ही मौके पर पहुंचे निगम के जिम्मेदार अधिकारियों ने जांच कर व्यवस्था सुधारने का भरोसा दिया। जबकि बीते दिनों रायपुर साफ पानी के मामले में पांचवें स्थान पर आया है, लेकिन सांप निकलने से जमीनी हकीकत तो कुछ और ही नजर आ रही है। यदि वास्तव में सांप निकले तो बहुत दुर्भाग्यजनक स्थिति है, क्योंकि सभापति जी यदि मौके पर पहुंचे, नगर निगम के अधिकारी पहुंचे और उन्होंने स्वयं अपनी आंखों से देखा कि नल से सांप निकले, तो वास्तव में ये रायपुर शहर के जल प्रदाय व्यवस्था को प्रमाणित करता है कि हमारी जल प्रदाय व्यवस्था किस स्तर पे है और हमको इसको सुधारने की आवश्यकता है। भाई लधवा तालाब, बंधवा तालाब और खोखो तालाब, ये तीनों तालाब को एक साथ जोड़ करके और वहाँ जो नाले का पानी आता है उसको प्योर करते हुए उसमें डाला जाएगा और वाटर लेवल वहाँ पर मेंटेन रहेगा। हमारी जो ये योजना है कि पुराने जितनी भी तालाबें हैं उस सभी तालाबों को हम सुरक्षित करने का प्रयास कर रहे हैं। अंतर्धर्मीय विभाग की